हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन कॉलेज काउंसलर। हम यहां पे आपकी हेल्प करते हैं कॉलेज सेलेक्ट करने में। इस वीडियो में आज हम ऐसे ही एक कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके पॉन्स एंड कॉन्स के बारे में। वीडियो के एंड में हम कॉलेज की रेटिंग करेंगे आउट ऑफ 50 फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ये रेटिंग थोड़ी बहुत इंटरनेट रिसर्च, मीडिया एक्सपीरियंस एंड स्टूडेंट फीडबैक से लिया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियोस के लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस, यहां पे हम हर तरीके के कॉलेज को कवर करने वाले हैं। अगर आपने साइंस कर रखा है, अगर आपने कॉमर्स कर रखा है, या अगर आप यूजी पीजी में इंटरेस्टेड हो, इस तरीके के कॉलेजेस आप ढूंढ रहे हो, उस कॉलेज को भी हम यहां पे रिव्यू करने वाले हैं। आप भी अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पे क्लिक कर आप अपने कॉलेज का फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि आने वाले जो हमारे न्यू जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके। रिव्यू ईयर 2020। तो गाइस, 2020 में मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ। हो सकता है एक दो साल बाद कॉलेज की इम्प्रूवमेंट हो जाए या कॉलेज और खराब हो जाए, इसके हम कुछ कह नहीं सकते। बट मैं कोशिश करूंगा, जैसे ये कुछ वीडियोस के कुछ चीजें नहीं आती हैं तो मैं आपके साथ अपडेट करूं। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन क्लिक कर लेना है, ताकि जो भी नया अपडेट आए आप तक सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं IIS कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ICOT भोपाल नाम से भी इस कॉलेज के बारे में हम जानते हैं। ये मध्य प्रदेश स्टेट का भोपाल सिटी का ये कॉलेज है। एड्रेस आप देख सकते हैं, भोपाल में इसका एड्रेस है, मेन रोड कालीखेड़ा रातीबड़ मध्य प्रदेश। ठीक है, फोन नंबर भी दे रखा गया है। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी वगैरह करना हो तो आप यहाँ से इस नंबर पे कर सकते हो। बाकी एडमिशन लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, चीज़ें बताने वाला हूँ, वो जरूर अच्छे से सुनें, उसके बाद ही आगे का फैसला लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं कॉलेज की कुछ गैलरीज के बारे में। कुछ फोटोज मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कॉलेज के, कुछ फोटोज हैं कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हरियाली भी दिख रही है अच्छी खासी। ठीक है, फोटोज में ही दिखती है जनरली, जाओगे तो थोड़ा खंडर ही मिलता है। सब कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ का भाई ये चीजें चलती हैं, कुछ ये पिक्स वगैरह आप देख सकते हैं कॉलेज का। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉलेज टाइप, किस तरीके का कॉलेज है ये IIS। तो IIS कॉलेज ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो RGPB यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, AICTE से अप्रूव्ड है। IIS कॉलेज का जो बात है, इंफोटेक एजुकेशन सोसाइटी इसका फुल फॉर्म है। ये जनरली आप इसका डिटेल पढ़ सकते हो। 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था अपने भोपाल में इंफोटेक एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, इसलिए इसका नाम IIS कॉलेज पड़ता है। ठीक है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है ये कॉलेज। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से इसलिए एफिलिएटेड है क्योंकि कुछ कोर्सेज प्रोवाइड ही, जैसे BA हो गया, BEd हो गया, ये सब कोर्सेज जो है ये RGPB इसका रिजल्ट नहीं देती, इसका रिजल्ट बरकतुल्ला से होता है, इसलिए ये कॉलेज बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है। अब इनके ग्रुप की बात कर लें तो बहुत सारे 8 ग्रुप इस कॉलेज का, एक ही कैंपस में बहुत सारे ग्रुप्स आपको IIS के मिल जाएंगे। तो ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे IIS कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, IIS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, IIS कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी MBA के लिए अलग बिल्डिंग है, IIS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक है, IIS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक है, IIS पब्लिक, ओके सॉरी ये स्कूल के टर्म्स में स्कूल भी है इसका, IIS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, IIS कॉलेज ऑफ नर्सिंग, IIS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इतने सारे इनके ब्रांच है एक ही कैंपस में और उसके आस पास आपको देखने को मिल जाएगा। अभी रिसेंटली इस साल या फिर पिछले साल के एंड में IIS यूनिवर्सिटी भी इन्होंने लॉन्च किया है। फाइनली इन्होंने अपने आप को IIS यूनिवर्सिटी में भी कन्वर्ट कर लिया है। यूनिवर्सिटी हो जाने से क्या होता है, ऑटोनोमस हो जाती है, कॉपी वगैरह कुछ भी यहाँ चीक होती है, बट ये पूरा का पूरा जो IIS संस्थान है, IIS ग्रुप है, पूरा का पूरा ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसका एक नया IIS खोला गया है जो कि IIS यूनिवर्सिटी नाम से फेमस है। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूज आप बिल्कुल ना हो। आगे हम बात करने वाले हैं कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है कॉलेज में। तो कॉलेज में कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, MBA हो गया, MEd हो गया, BEd हो गया, DEd हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। और BE में लगभग BE और MTech में लगभग सारे ब्रांचेस जो बाकी सब कॉलेज में वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे फीस की बात करें तो फीस में आपको जो ये दिख रहा है एक अप्रोक्सीमेट ये फीस मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कुछ वेबसाइट से मुझे ये मिला है तो मैं आपको शो करा रहा हूँ, बट रियलिटी ये नहीं है, ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कॉलेज की सीट पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप CS IIT के लिए एडमिशन लेना चाहते हो
डिमांड वैसे भी हर साल सीएसआईटी का ज्यादा रहता है, तो कभी कभी आपको ये बीटेक में एडमिशन ये 78-75 में देते हैं, सीएसआईटी में 80,000-85,000 के आसपास आपको देते हैं, ठीक है, एडमिशन। तो सीट नहीं होने की वजह से थोड़ा रेट बढ़ जाए, कम सीट होने की वजह से रेट बढ़ जाता है, बट अगर सीट कम रहता है तो ये एडमिशन 8,000 ज़्यादा में कम बोल दिया 18,000-20,000-50,000 में एडमिशन हो जाता है। और जनरली कुछ डिपार्टमेंट की तो बात करूँ, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब कुछ ब्रांचेस हैं, आप कभी भी चले जाओ, इसमें आपका एडमिशन ये जरूर आपको फीस बताएंगे 70,000 के आसपास, 72,000 के आसपास, बट आपको बार्गेनिंग करना है। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं गाइज, हर जगह बार्गेनिंग होता है, ठीक है। तो 70,000 आपको बता रहे हैं, तो आप बताओ कि सर हम 40,000 दे पाएंगे एडमिशन देना है दो, अदरवाइज मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं उस कॉलेज में जा रहा हूँ, साफ बात। कुछ ब्रांचेस के लिए ये चीज बार्गेनिंग चलती है, बट डिमांड के अकॉर्डिंग ये सब थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती है। बट गाइज एक चीज याद रखना, प्राइवेट मतलब प्राइवेट, ठीक है, बार्गेनिंग होना है, निश्चित है। बहुत झांसा देने की कोशिश करते हैं कॉलेज वाले कि नहीं हम ये पैसा हम थोड़ी ना लेते हैं, गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट इतना चार्ज नहीं करती है, ठीक है। गवर्नमेंट बीएड में गवर्नमेंट सिर्फ 32,000 चार्ज करती है और ये 70,000-80,000 आपसे फीस लेते हैं, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा समझने की कोशिश करो, बार्गेनिंग जरूर करना है, जो भी फीस बोले हैं कितने में कर पाओगे सर तो बताओ, नहीं कर पाओगे तो फिर मैं दूसरे कॉलेज में जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्या है ट्रुथ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो बीटेक की बात करें तो बीटेक में यहाँ पे देख सकते हो आईटीजेई एग्जाम कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ऐसे आपको कंफ्यूज करते हैं कॉलेज वाले कि भाई आप आईआईटी क्वालिफाई होते तो आपको इतना माफ कर देते हैं, आप आईआईटी का आप आईआईटी में आपका कम नंबर है, आप नेगेटिव मार्किंग में हो तो आपको फीस ज़्यादा लगेगी, या फिर आपका परसेंटेज क्लास 12th में 60% से कम है तो ज़्यादा फीस लगेगी आपकी, ठीक है। 60% से ज़्यादा है, 80% 90% है तो 10% 10,000 कम कर दूंगा, 20,000 कम कर दूंगा, तो ये सब झांसे में आप बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपका परसेंट कुछ भी हो, 34% पासिंग होता है ना 12th का, 35% भी अगर आपका होगा ना तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, और इसमें फीस का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। 35% आपका है, आप पास हो 12th तो आप जाइए एडमिशन लीजिए। मैकेनिकल में तो आपको लगभग 15,000-20,000 जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, एडमिशन हो जाएगा। और जो SC ST OBC वाले हैं उनका तो स्कॉलरशिप पे ही एडमिशन हो जाएगा, उनको फीस ही नहीं देना है 4 साल। स्कॉलरशिप आती है SC ST वालों का 60,000 के आसपास, ST वालों का लगभग 55,000, OBC वालों का 28-30,000 रुपए आता है इन लोग को ये स्कॉलरशिप, उस पे ही एडमिशन हो जाता है स्कॉलरशिप पे। कुछ लोग CSIT में कुछ ज़्यादा फीस होने की वजह से कुछ बंदे ऐसे एडमिशन लेते हैं स्कॉलरशिप प्लस 10-20,000 रुपए, ठीक है। तो OBC वाले ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, 28,000-24,000 उनकी स्कॉलरशिप आती है प्लस 10,000 एक्स्ट्रा, तो उनका एडमिशन ऐसे ही लेते हैं कि सर देखो मेरा स्कॉलरशिप प्लस 10,000 में एडमिशन देना है बताओ, और हम दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं। तो ये सब फंडा चलता है, ये सब कोई भी चीज़ें नहीं चलती कि ITJEE 60% से कम है ज़्यादा, ये सब कुछ फंडा नहीं है। ये कोई भी कोर्सेज के लिए देख ले, गेट का नंबर चाहिए M.Tech एडमिशन लेना है तो गेट का नंबर कुछ नहीं है, गेट का नंबर होता तो कम फीस में हो जाता है, परसेंटेज कम है इंजीनियरिंग में इसलिए M.Tech में आपको कम ज़्यादा फीस लेंगे। M.Tech में भी गाइस 20,000-25,000 में एडमिशन हो जा रहा है पर साल, ठीक है। तो बार्गेनिंग करना है आपको अच्छी तरीके से, डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई भी यहाँ पे आपको ये सब नहीं रहेगा। आगे बात करते हैं लेटेस्ट रैंक का, तो लेटेस्ट रैंक तो ओवरऑल इंडिया या MP में कोई रैंक इसका मुझे अभी लेटेस्ट डाटा नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक करके रखा है। कुछ मिसलिनियस चीज़ों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। कॉलेज की हॉस्टल फैसिलिटी, तो कॉलेज में गर्ल्स बॉयज हॉस्टल दोनों हैं कैंपस के अंदर, आप चाहो तो वहाँ पे गर्ल्स वाले गर्ल्स हॉस्टल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल जो फैसिलिटी है वो मॉडरेटेड ठीक ठाक हॉस्टल फैसिलिटी है। थोड़ा सा ये कॉलेज आउट ऑफ भोपाल पड़ता है, बट पहले था, बट अभी ये वो एरिया थोड़ा डेवलप हो गया है तो अभी नहीं कह सकते, ठीक है। आपको अच्छी खासी हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स को कितना सपोर्ट मिलता है कॉलेज की तरफ से, या कॉलेज कितना आगे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो कुछ खास नहीं, मैंने मॉडरेट तो बोल दिया है, बट दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉडरेट, ठीक है, जस्ट अ ठीक ठाक, चलो कभी कभार चले गए तो चले गए, ये वाला। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कॉलेज का सच में अच्छा है, मॉडरेट मैनेजमेंट है, इन द सेंस फीस बढ़ना कम होना, आपको इवेंट वगैरह कराते हैं उसकी मैनेजमेंट, आपको परेशान करना अटेंडेंस, ये सब ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा है कॉलेज का, ठीक है। टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मतलब ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट से कमी में बोल रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल आपको ज़्यादा अच्छा यहाँ से नहीं मिलने वाला है। वो सब डिपेंड करता है आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में तो आपको इतनी सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है। बेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो इस कॉलेज की बेस्ट डिपार्टमेंट है CSIT, सेकेंड है मैकेनिकल, थर्ड है इलेक्ट्रिकल, एंड फोर्थ है फार्मेसी, एंड द फिफ्थ वन BEd, ठीक है। ये सब कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको कॉलेज का बेस्ट है। नाउ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ का रेटिंग।
रेटिंग 50 में से इस कॉलेज को, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस कॉलेज को 50 में से मैं रेटिंग करूंगा। बट रेटिंग करने से पहले गाइज हम थोड़ा सा इनकी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं इनकी वेबसाइट पे लेटेस्ट क्या अपडेट है। तो गाइज हम IAS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो आप बहुत अच्छा, थोड़ा खुलने में टाइम लगता है बट ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए भी अलग से एडमिशन इंक्वायरी के लिए कॉल IAS यूनिवर्सिटी के नाम से आ गया है, लीडिंग मैगजीन आउटलेट, ये सब चीज़ें फायदा, फोटो वोटो एकदम अच्छे तरीके से आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे, तो फोटो वोटो देख के भरमाना नहीं है, ठीक है। फार्मेसी वगैरह सब है यहाँ पे, तो डिटेल वगैरह देख सकते हैं मैं यहाँ पे, प्लेसमेंट रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप पे देख सकते हैं। बट गाइस ये रियलिटी नहीं रहता है, जाहिर सी बात है यार, आप ही कोई कॉलेज या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलोगे तो आप अपनी वेबसाइट पे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओगे ना, ताकि अट्रैक्ट हो। वही हाल है यहाँ भी। अब यहाँ पे आप देख सकते और भी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में क्या काम करता है, एकेडमिक या कॉलेज के बारे में कैसा क्या है, यहाँ पे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, ये सब नर्सिंग वगैरह सब कराया जाता है, ये सब चीज़ें ठीक है। एडमिशन इंक्वायरी, ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है, सब कुछ यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। ये कुछ लेटेस्ट अपडेट है, एडमिशन भी इनका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे एक फ्लैश करता है जब वेबसाइट ऑन करोगे तो एक फ्लैश होगा कि अभी तक एमपी का वो एमपी ऑनलाइन में रजिस्टर्ड स्टार्ट नहीं हुआ है, बट कॉलेज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है एडमिशन के लिए। चाहो तो आप जाकर एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर, ठीक है ना। रेटिंग करने से पहले हम व्यूवर्स के फीडबैक देखते हैं। सबसे पहला जो इस कॉलेज के लिए जो हमारे फीडबैक जो आते हैं, आप भी अब किसी कॉलेज में पढ़ते हो या पढ़ के कंप्लीट कर चुके हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस और मार्किंग जरूर करें हमारे साथ, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो। और इस कॉलेज के बारे में पढ़ते हो या फिर आप पास आउट हो तो इस कॉलेज के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में भर भर के अच्छाई और बुराई आप लिख सकते हो दिल खोल के, ठीक है। तो पहला बंदा कहता है कि इन माई ओपिनियन दिस कॉलेज हैज मेनी प्रोज एंड कॉन्स बट ओवरऑल वाइज दिस कॉलेज इज रिकमेंडेड, ठीक है। अगला स्टूडेंट कहता है फिजिबल 60K to 70K फी फॉर बीटेक स्टूडेंट, बहुत ज्यादा ही स्टूडेंट लिख रहा है, एंड फॉर दैट दिस कॉलेज गोट वन एंड सेकेंड रैंक फॉर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, आई ऑल्सो रिकमेंडेड टू टेक एडमिशन इफ यू हैव लेस मनी और योर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट सो गुड, दिस इज बेस्ट कॉलेज फॉर पुअर स्टूडेंट। तो इनको 60,000-70,000 में एडमिशन मिल गया है, तो ये बंदा हमारा सोच रहा है कि ठीक है कॉलेज में सस्ते में एडमिशन हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, यहाँ 15,000-20,000 में भी एडमिशन हो जाता है, क्लियर है। अगला स्टूडेंट कहता है कि मैकेनिकल प्लेसमेंट ऑफ द कॉलेज वेयर पैथेटिक, आई ग्रेजुएटेड इन 2018, एट दैट टाइम देयर वॉज नॉट एनी कंपनी दैट कम फॉर प्लेसमेंट, देयर इज नो कॉर्पोरेट रिसोर्सेज सेंटर, कॉलेज डज नॉट प्रोवाइड एनी फैसिलिटी लाइक दैट, ठीक है। अगला स्टूडेंट भी कहता है आई वॉज स्टडिंग इन CS, द टीचिंग क्वालिटी इज एक्सीलेंट, प्रोफेसर आर हाईली क्वालिफाइड एंड यूज मॉडर्न टेक्निक फॉर स्टडी, गुड एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, नॉलेजबल एंड गुड स्टूडेंट। अगला बंदा कहता है सारे कॉलेज भोपाल के एक जैसे हैं, कहीं पढ़ाई नहीं होती है, सब एजुकेशन के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, मेरे दिल की बात इसने छीन लिया। अगला बंदा कहता है नॉट सो गुड, In our batch of 180 students, only 60 got placed. The TNP team of college is pathetic. No guidance or coordination is provided to the student. ठीक है, अगला स्टूडेंट कहता है स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज, कॉलेज कंडक्ट फेस एंड अदर इवेंट, इट प्रोवाइडेड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, देर आर लॉट ऑफ गेस्ट लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस इन विच स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेटेड, समझ गए होगे ना। अगला बंदा कहता है द कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज मॉडरेट, not good but moderate, the college will only provide a facility facility that is required to fulfill your academic requirement, the library was not good of collection of books,